प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमरीकी दौरे के दौरान भारत की धमक दुनिया को साफ नजर आने वाली है। जिन लोगों को लगता है कि पीएम नरेंद्र मोदी यूएन में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के आरोपों का कड़ाई से जवाब देंगे, वे गलतफहमी में है। नरेंद्र मोदी यूएन के मंच से अनुच्छेद 370 पर कुछ नहीं बोलने वाले हैं। दरअसल ऐसा करके भारत इमरान खान के भाषण को बकलोली तक सीमित करने का प्लान बना चुका है। वह पाकिस्तान की बदजुबानी के तीर को वापस उसी के तर्कस में टर्न कराकर घेराबंदी का पूरा खाका तैयार कर चुका है। अमेरिका सहित विभिन्न देशों के प्रमुखों के साथ मोदी की मुलाकात में भारत की कूटनीतिक धमक कश्मीर राग अलाप रहे पड़ोसी पाकिस्तान को भारी पड़ने जा रही है। भारत यूएन में कश्मीर पर कोई चर्चा नहीं करेगा, हालांकि पाकिस्तान केवल कश्मीर पर बकलोली जरूर करता नजर आएगा। अब सवाल है कि भारत यूएन में बोलेगा क्या। दरअसल ऐसी जानकारी है कि भारत मानवाधिकार और आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को आईना दिखा सकता है। ऐसी भी उम्मीद है कि इस बार भारत बलूचिस्तान, सिंध और पीओके में पाकिस्तानी फौज द्वारा किए जा रहे अत्याचारों को प्रमुखता से उठाए। मोदी की यात्रा की पूरी रूपरेखा इस तरह से बनाई गई है जिसमें उसकी वैश्विक भूमिका का विस्तार साफ साफ नजर आएगा। खासतौर से व्यापारिक रिश्तों को लेकर मोदी काफी संजीदा है। इस संदर्भ में प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका की प्रमुख ऊर्जा कंपनियों के अलावा अन्य क्षेत्रों में काम कर रही 45 कंपनियों से भी मुलाकात करेंगे। इसका मतलब यह है कि भारत अमेरिका के रिश्ते उम्मीद से कहीं ज्यादा मजबूती से बढ़ रहे हैं। बड़ी बात यह है कि मोदी की यात्रा के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर भारत अमेरिकी संबंधों को विस्तार देने के लिए न्यूयॉर्क से वाशिंगटन निकल जाएंगे। यानी जहां पाकिस्तान का मदरसा छा पीएम कश्मीर पर भोंक कर टाइम पास करेगा, वहीं भारत का पूरा फोकस अर्थव्यवस्था के लिहाज से देशों और कंपनियों से सार्थक बातचीत पर रहेगा। परंतु जोर का झटका तो खुद डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान को देने की तैयारी कर चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है। ट्रंप ने कहा है कि वह हाउडी मोदी में एक बहुत बड़ा गिफ्ट मोदी को देने जा रहे हैं। इस बयान के बाद पाकिस्तानी हुक्मरानों के हाथ पांव फूल गए हैं। पाकिस्तान में चर्चा है कि कहीं सनकी ट्रंप पाक अधिकृत कश्मीर पर भारत के अधिकार की बात ही ना कर दे। पाक टीवी चैनलों की डिबेट का इतना बुरा हाल है कि वे अपने वजीर आजम की यात्रा की बात नहीं करके मोदी हाउडी पर ही पूरा प्रोग्राम केंद्रित किए हुए हैं। आधे पाकिस्तान को तो पता ही नहीं है कि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री भीख मांगने के लिए खटारा पीआईए में बैठकर कभी का निकल चुका है। हालांकि यह मुगल छाप यहां भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। इन्होंने मोदी हाउडी आयोजन स्थल के बाहर रंग में भंग डालने की रणनीति बनाई है। ब्रिटिश पत्रकार कैंटी होपकिंस ने खुलासा किया है कि नरेंद्र मोदी के ह्यूस्टन में होने वाले कार्यक्रम में व्यवधान डालने के लिए ह्यूस्टन की मस्जिदों से मुल्लाओं को बसों में लादकर कार्यक्रम स्थल पर लाकर विरोध प्रदर्शन कराया जाएगा। पर पाकिस्तान की यह हरकत उसे बहुत भारी पड़ सकती है, क्योंकि इस कार्यक्रम में डोनाल्ड ट्रंप की उपस्थिति पाकिस्तान के सभी मंसूबों पर पानी फेरने वाली होगी। भारत जानता था कि यह मदरसा छाप देश ऐसे ओछे हथकंडे जरूर दिखाएगा, इसलिए उसने डोनाल्ड ट्रंप और 20 से अधिक कांग्रेस सीनेटर और मेयर को हाउडी मोदी में आमंत्रित किया है। यानी पाकिस्तान की हर मोर्चे पर पूरी तरह घेराबंदी कर दी गई है। पर मामला यहां तक नहीं है, एक कहावत है कि अंधा बाटे रेवड़ी फिर फिर के अपनों को दे। इमरान खान के पास न रेवड़ी है न कूटनीति का ज्ञान, यह अंधा है इसमें कोई शक सुबह नहीं है। फिलहाल इसकी झोली में कश्मीर मुद्दा है, इसलिए यह इसे लेकर ही दुनिया को दिखाने जा रहा है। कमाल की बात यह है कि पूर्व की भांति इस बार जेद्दा एयरपोर्ट पर इनकी खास अगवानी तक नहीं की गई। प्रिंस सलमान के सामने इमरान ने फिर से कश्मीर राग अलापा, मगर प्रिंस पर उसका कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने इमरान को लताड़ लगाते हुए मोदी के प्रति तलख बयानबाजी से बचने की सलाह दी है। साथ ही कहा है कि सऊदी अरब का स्टैंड साफ है कि यह दोनों देश का आपसी मुद्दा है, इसमें उनके मुल्क की कोई भूमिका नहीं हो सकती है। गौरतलब है कि इमरान खान सऊदी अरब की दो दिवसीय यात्रा के लिए कल ही यहां पहुंचे हैं। यहां से वह सीधे न्यूयॉर्क के लिए निकल जाएंगे। कहने वाले तो यही कहते हैं कि इमरान खान सऊदी प्रिंस से कुछ हजार डॉलर की भीख के लिए यहां आए हैं, ताकि उनकी अमेरिकी यात्रा सही सलामत पूर्ण हो सके। मतलब भिखारी हवाई जहाज से जाए या गधा गाड़ी से,
उसका हाथ सदा मांगने के लिए ही उठता है। फिलहाल दुनिया के सबसे बड़े भिखारी मुल्क की यही हालत है, जिन्हें पीआईए के तेल के लिए भी सऊदी के सामने गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, आपसे शीघ्र भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।